हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोर्स, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में है, आप हिम्मत करके देखिए, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप जरा कोशिश करके देखिए। इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाला प्रत्येक वीडियो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको सही टाइम पे देख सकें। हमें बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? पहले हम आपको ABCD फिर से एक बार प्लेस वैल्यू लिखा देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
सातवें अक्षर के दाएं, मतलब बायां हमारा ये हाथ है, तो इस हाथ से बाएं अक्षर से सातवां, पहले हम बायां हाथ देखते हैं, ये इधर चालू होता है, सातवें अक्षर यानी सात जी के दाएं, जी के जब दाएं हम चालू करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं जी के जब दाएं चालू करेंगे तो फिर आगे जाएगा, दाएं पांचवा अक्षर यानी एक दो तीन चार पांच, यानी पांचवा अक्षर एल है, यानी इसका आंसर एल होगा। समझ गया? अब अगला देखिए तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो आई पहले ढूंढते हैं, आई है नवें स्थान पर, तो नवा स्थान ये लिखते हैं, फिर उसके बाद पूछ रहा है दाएं सातवें स्थान पर सातवां अक्षर क्या होगा, तो इसमें सात जोड़ देते हैं, नौ सात सोलह, यानी सोलवा अंक होगा वो, तो सोलवा नंबर इसमें देख लेते हैं किसका है, पी का, तो अक्षर वो होगा पी। अब ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, पहले आई हम जानते हैं नवें स्थान पर है, और इसके आगे पूछ रहा है आई के दाएं सातवां अक्षर, तो सातवां एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी पी, इसीलिए पी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो क्यू के बाएं यानी क्यू है सत्रह नंबर पर, और चौथा अक्षर तो माइनस चार, तो क्यू बराबर कितना आया, तीन और एक, यानी तेरहवां अक्षर, तेरहवां अक्षर कौन सा है, एम, यानी हो जाएगा एम, आंसर इसका हो जाएगा एम। और इसे डायरेक्ट देख सकते हो क्यू, क्यू है चौथे सत्रहवें नंबर पर, और सत्रह में से चौथा पूछ रहा है, क्योंकि बाएं बाएं कह रहा है तो उससे हम वापस आएंगे चार अक्षर, अगर दाएं कह रहा होता तो हम क्यू से आगे जाते चार, ठीक है, आगे जाते तो एक दो तीन चार, तो इक्कीस आता, उसमें चार ऐड कर देते, सत्रह में चार ऐड कर देते, और बाएं पूछ रहा है तो सत्रह में चार माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा तेरह,